गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम नीलम तिवारी। बच्चों, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको भाषा के प्रकार पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है बच्चों। अभी हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी, आज हम भाषा के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा जब हम अपने मुख से कोई बात कहते हैं और दूसरा सुनता है तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं, यानी कि मुंह से बोलकर जो भाषा व्यक्त की जाती है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जब हम लिखते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है तो ये हमारी लिखित भाषा होती है, ठीक है। अभी जैसे आप क्लास में बैठे हो और हम आपको हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारी मौखिक भाषा हो गई। और जब हमने आपसे कहा कि आप अपनी कॉपी निकालिए और मैं आपको ये परिभाषाएं लिखाने चलूँ, आप लिखिए, तो ये क्या हो गया, जब मैंने किया तो ये हमारी कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा हो गई, यानी कि मुंह से बोलने कर व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा और हाथ से लिख करके व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा। पढ़ना लिखना ये भी एक भाषा के ही रूप है, ठीक है बच्चों। अभी मैंने आपको भाषा के रूप बताए, सारे बच्चे इस पाठ को अपने घर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।